हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फॉर दैट मैटर कोई भी अर्थराइटिस है आपको, या जॉइंट्स में पेन है, जोड़ों में दर्द है, तो उसमें आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, और कैसे अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज करके आप अपने दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें आपके बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें पेन रहता है, दर्द होता है, सूजन रहती है, स्टिफनेस रहता है, और साथ ही पूरे शरीर में थकावट रहती है, और कभी कभी हल्का फुल्का बुखार भी रहता है। इसके साथ ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस ना सिर्फ आपके जोड़ों को नुकसान पहुँचाता है बल्कि आपके आँखों को भी नुकसान पहुँचाता है, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को, स्किन को, और भी इसके बहुत सारे सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करना है जिससे कि ये जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेस ना कर सके, आगे और बढ़ ना सके। देखिए, कोई भी डाइट फॉलो करने से या लाइफस्टाइल चेंजेस करने से आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो इसमें कुछ ऐसे जीन्स आपकी बॉडी में है जो कि ट्रिगर फैक्टर जब भी आता है तो वो ट्रिगर हो जाते हैं और सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी डाइट और अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपके सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, और जो आपका नॉर्मल एक लाइफस्टाइल है, जो आपकी नॉर्मल दिनचर्या है, उठना बैठना, घर के छोटे मोटे काम करना, या जो भी आप काम करते हैं, ऑफिस का काम करना, उन सब में जो आपको परेशानी होती है अर्थराइटिस की वजह से, वो नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। जब भी हम अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए डाइट बनाते हैं तो हमारा दो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं। नंबर वन इस कि जो पेशेंट्स हैं उनका वेट जो है वो सही रहे, वेट कम रहे, वज़न कम हो जाए, या अगर उनका वज़न कम है तो वही मेंटेन रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका वज़न होगा उतना ही ज़्यादा भार आपके जोड़ों पर पड़ेगा और वो आपके जॉइंट्स को नुकसान पहुँचाएगा। दूसरा चीज़ होता है कि इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है जॉइंट्स में, वो कम हो जाए। जितना आपका इन्फ्लेमेशन कम रहेगा जॉइंट में, जितनी सूजन कम रहेगी, उतना ही आपका दर्द भी कम रहेगा, स्टिफनेस जो अकड़न है वो भी कम रहेगी। तो इन दोनों बातों को हम ध्यान में रखते हैं जब भी हम कोई भी डाइट अर्थराइटिस या जॉइंट पेन के पेशेंट्स के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है या अपनी डाइट में बढ़ा देना है जिसके अमाउंट को, वो है फल और सब्जियाँ। अर्थराइटिक फाउंडेशन के अकॉर्डिंग आपको दिन में अपने डाइट में 2 कप फल इंक्लूड करना है और 3 कप हरी पत्तेदार सब्जियां इंक्लूड करनी है। अब आप इसको अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में ले सकते हैं। फलों की अगर बात करें तो जितने भी आपके कलरफुल फल हैं, ब्राइट कलरफुल रंगीन फल हैं, जैसे कि चेरीज और ऑरेंजेस, ग्रेप, मैंगो, ये सब आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसमें एक केमिकल होता है एंथ्रोसाइलिन का, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि फ्री रेडिकल को कम करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। चेरीज का जो ब्राइट कलर है वो भी इसी कॉम्पोनेंट की वजह से ही है। साथ में जितने भी और रेड या पर्पल फ्रूट्स है, जैसे रास्पबेरी, ब्लूबेरी, वो आपको लेना चाहिए। सिट्रस फूड जैसे ऑरेंज, ग्रेप्स, लाइम, ये तो हमें पता ही है, ग्रेट सोर्स है वाइटामिन सी के, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में आप बीन्स ले सकते हैं। बीन्स में होते हैं बहुत ज़्यादा फाइबर, जो कि आपके सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP, एक साइन होता है इन्फ्लेमेशन का, उसको कम करता है। बीन्स के जो प्रोटीन है वो आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, मसल्स को भी प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, और जिससे कि आपका जॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रीन बीन्स, फ्लैट बीन्स, किडनी बीन्स, राजमा, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं फोलेट, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम के, जो कि आपके हार्ट के लिए और इम्यून सिस्टम को एक बहुत ही हेल्दी रखते हैं। साथ में अगर सब्जियों की बात करें, हरे पत्तेदार सब्जियाँ और जो भी हरी सब्जियाँ है, जैसे कि ब्रोकली, स्पिनच, ये सब होता है, इन सब में आपके विटामिन ए, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि फ्री रेडिकल डैमेज को कम करते हैं। साथ में ब्रोकली जो एक अच्छा, बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, जो कि आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर अनाज की बात करें तो अनाज में आपको होल ग्रेन्स लेना है, मतलब जो मोटा अनाज होता है वो लेना है, जैसे कि ब्राउन राइस, पूरे छिलके वाले या चोकर वाले आटे की रोटी, मैदा, वाइट राइस, ये आपको नहीं लेना। ये क्या करते हैं, इनमें फाइबर होता है जो कि आपके CRP लेवल्स को कम करते हैं। साथ ही फाइबर आपके पेट को ज़्यादा देर तक भरा रहता है फाइबर लेने से, तो आपको भूख कम लगती है, और ये आपके वेट को मैनेज करने के लिए भी एक बहुत अच्छा सोर्स है।
दोस्तों अर्थराइटिस के पेशेंट्स को अपनी डाइट में जो एक और कंपोनेंट बढ़ाना चाहिए वो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड का। ये आपके जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपका लिए सबसे अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का वो है फिश, सैल्मन फिश या जितने भी फ्रेश वाटर फिश है जैसे कि ट्यूना, ये सब बहुत अच्छे सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड के। तो ये आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं मतलब मीट मछली नहीं खाते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा सोर्स बनता है फिर अखरोट, वॉलनट और बाकी जितने भी नट्स हैं आलमंड्स, पिस्ताचो, ये सब आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये तो हुआ हमें क्या क्या खाना चाहिए। और अब अगर बात करें कि हमें किन चीज़ों को परहेज करना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, तो उसमें आते हैं चार चीज़ें मेनली आपको अवॉइड करनी है। नंबर वन इज शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड। जितने भी आपके मार्केट के चिप्स, बिस्किट्स या फिर बेकरी आइटम्स आते हैं ये आपको नहीं खाना। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर रहता है। और जितनी भी आपकी चीनी, अगर आपके शरीर में शुगर के अमाउंट बढ़ेगा तो वो दो तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगा। पहला तो आपका वज़न बढ़ाएगा, वज़न बढ़ाएगा तो आपके जोड़ों पे दबाव पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो वो नुकसान पहुंचाएगा वो है कि इन्फ्लेमेशन या सूजन को भी बढ़ाता है। जो दूसरा चीज़ आपको नहीं खाना वो सेम चीनी की तरह ही है कि सॉल्ट, हाई सॉल्ट डाइट भी आपको नहीं लेनी। बहुत ज़्यादा नमक लेंगे तो वो से वाटर रिटेंशन होगा, वेट बढ़ेगा, उससे भी आपके जॉइंट्स को नुकसान पहुंचेगा। हाई सॉल्ट डाइट में भी आपके ये सारे बाजार के चिप्स आ जाते हैं, भुजिया, चिप्स, नमकीन, इनमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और साथ साथ केचप, मेयोनीज, ये जितने भी आपके सॉसेस होते हैं, सोया सॉस, इन सब में भी सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब आपको बिल्कुल बंद कर देना है। तीसरी चीज़ जो है वो है अल्कोहल। अल्कोहल से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिंस है जो कि अगर आप लेते हैं आरए के लिए वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करती है और फिर उसका असर नहीं होता। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली ड्रिंक करते हैं तो वो आपको कम कर देना है। और सबसे बढ़िया तो होगा अगर आप बंद कर दें। और चौथी चीज़ है जो भी आपके ये रेड मीट्स या फिर फ्राइड आइटम्स है ये आपको बंद कर देना है। जितने भी ज़्यादा फ्राइड आइटम है ऑब्वियसली वो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाएंगे, वज़न भी बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। और जैसा कि ये वीडियो में अब तक हम बताते हुए आए हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके हार्ट पर भी असर करता है, तो ये आपको नहीं लेना क्योंकि आपका जो फ्राइड आइटम है जिसमें बहुत ज़्यादा मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं तो वो आपके हार्ट को नुकसान पहुँचाएंगे। सेम गोज़ फॉर रेड मीट। फिश आप ले सकते हैं क्योंकि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें होता है, लेकिन रेड मीट ये जितनी भी फैट जिसमें हाई फैट कंटेंट डाइट आपको नहीं लेनी। फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिनको भी आता है से उन्हें बताइए, ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो अपनी डाइट में ये छोटे बड़े चेंजेस कर सके और उनका पेन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सके। साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।